आखिर इग्नू चाहती क्या है यार, खुल के बोलो कि यह चाहिए तो सभी विद्यार्थी देने के लिए तैयार है। यूं ही जो है विद्यार्थियों के जो साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, यूं ही जो विद्यार्थियों के साथ बार बार परेशान कर रहे हो, क्या आपको मजा लग रहा है? क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? विद्यार्थियों की तकलीफ देखकर इतने विद्यार्थी तड़प रहे, इतने विद्यार्थी दर्द से है, तो फिर भी आखिर इग्नू दोस्तों चाहती क्या? इग्नू फरवरी परीक्षा 2021 को लेकर एक अपडेट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आखिर इग्नू चाहती क्या? आखिर इग्नू चाहती क्या है? बार बार परीक्षा पोस्टपोन करना, परीक्षा एक्सटेंड करना, ये उनके लिए एक ऐसा खेल सा हो गया, लगता है कि उनके लिए एक खेल होता है जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल हुआ, जब मन तब पकड़ के क्या किए शादी करवा दी, जब मन किए तब शादी तोड़वा दी, उसी टाइप से एक खेल समझ लिया विद्यार्थियों के दिल के साथ, विद्यार्थियों के हित के साथ खेलना एक इग्नू के लिए एक खेल हो गया है। बार बार परीक्षा को एक्सटेंड करके बोला जा रहा है, कभी यह परीक्षा हुआ, कभी यह परीक्षा हुआ, कभी ये इस दिन होगा, कभी उस दिन होगा। आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? विद्यार्थियों का कितना समय बर्बाद हो रहा है कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। और विद्यार्थी है बेचारे, सुन रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इग्नू के तरफ से 29 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करता है, यहां पर देख पा रहे दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इस नोटिफिकेशन में एक आता है दोस्तों कि आप सभी का जो परीक्षा है अब दिसंबर में नहीं बल्कि फरवरी 2021 में लिया जाए। और इससे पहले जून में जो एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो जून में जो परीक्षा था उसको सितंबर में लेने के लिए कहा गया था। जब सितंबर का बात आया दोस्तों तो उसको दिसंबर में कहा गया, और फिर जब अक्टूबर महीना आया तो अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन चिपका देता है इग्नू और बोला जाता है कि अब आप सभी का परीक्षा अब भी नहीं होगा बल्कि फरवरी में होगा। तो आप खुद सोचिए कि विद्यार्थियों के साथ ये जो भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा और कुछ भी नहीं किया जा रहा, आप खुद सोच सकते हैं। इतने बड़े यूनिवर्सिटी है इग्नू दोस्तों, बताना चाहेंगे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है ब्रांचेज है, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर खोल के रखे, कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं इग्नू, सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और वैसे में विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमें लगातार कमेंट करके पूछे जाते हैं कि आप हमें बताइए हमारा अगला महीना जो है जॉइनिंग है, हमें वहां पर सर्टिफिकेट दिया जा मांगा जा रहा, कोई प्राइवेट में काम करना चाहता है दोस्तों वहां पर उसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा। वैसे में आप खुद ब खुद आकलन कर सकते हैं कि इग्नू किस प्रकार से विद्यार्थियों को बर्बाद करने पर तुले हैं। जब तक विद्यार्थियों को पूरा बर्बाद नहीं कर देगा इग्नू, तब तक यहां पर कोई भी चैन के सांस नहीं होने वाले। अरे यार परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, इतना बड़े कंडक्ट आप लग रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट एक विद्यार्थी को 8-8 सब्जेक्ट जहां था वहां डायरेक्टली डबल से ट्रिपल सब्जेक्ट वहां पर हो रहे हैं, यानी परीक्षा काफी ज्यादा दिनों तक यहाँ पर चलने वाली है। दोस्तों आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि परीक्षा इस प्रकार से कंडक्ट अगर नहीं कर पा रहे तो सभी विद्यार्थियों को बिना कोई कंडीशन के प्रमोट कर दो और क्या। दोस्तों आप यहां पर नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप परीक्षा की तैयारी है, क्या आपके पास परीक्षा की तैयारी है या नहीं। हमें नहीं लगता है दोस्तों, यहां पर हम बताना चाहेंगे 100% में ओनली फॉर 20% स्टूडेंट होंगे, ओनली फॉर 20% स्टूडेंट होंगे जिसकी तैयारी होगी, और बाकी 80% स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी। इसके पीछे बड़ा बड़ा रीजन कारण यह है कि देखिए, एक तो लॉकडाउन है, जितने भी कोचिंग संस्थान थे सभी के सभी बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए, और यहाँ तक कि इग्नू के स्टडी सेंटर भी बंद पड़े हुए, जो कि अगर खुले रहते तो स्टूडेंट जाते स्टडी सेंटर पर कुछ न कुछ पढ़ाई करके आते। वैसे में दिन भर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर लेकर जो है दोस्तों अपने आप को किसी तरह से दिन काट रहे थे। वैसे में दोस्तों आपको यहाँ पर उसके बीच में बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की जो संख्या है वो लगातार दोस्तों दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। वैसे में विद्यार्थियों के मन में इतने ज़्यादा डर बैठ गए हैं कि वो घर से निकलना पसंद नहीं करते, इससे अच्छा उन्हें लगता है कि हम अपना जो समय मोबाइल पर ही अपना समय दे दें। तो वैसे में दोस्तों यहाँ 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की संख्या जो गृह
ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे मरने वाले की संख्या भी है, वहीं पर भारत दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। वहीं पर दोस्तों भारत में तकरीबन 89 लाख से भी ज्यादा संख्या ग्रसित हो चुके हैं और 13 लाख से भी ज्यादा मृत्यु हो चुके हैं। वैसे में कौन विद्यार्थी है कि घर से बाहर निकलेंगे बताइए। और ऊपर से यहाँ पर लॉकडाउन होने के कारण दोस्तों यहाँ पर सबको लगता है कि नहीं, जब घर में है तो परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की तैयारी हो नहीं रही बल्कि परीक्षा की तैयारी और बर्बाद हो चुकी है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है दोस्तों यहाँ की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं, हमारी तैयारी एकदम थोड़ा सा भी तैयारी नहीं, सारा का सारा तैयारी बिल्कुल भी ठप हो चुकी है, पूरा का पूरा स्टॉप हो चुका है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों क्या आपका तैयारी। वैसे मैं परीक्षा देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, अगर परीक्षा अगर दे भी देंगे किसी तरह से दे भी देते हैं किसी तरह से करके तो एकदम रिजल्ट एकदम खराब आने वाले, जहां पर जो विद्यार्थी 80-90% लाने वाले थे वही विद्यार्थी अब पास ही कर जाए तो बहुत हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे में दोस्तों हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार से दोस्तों ओरो यूनिवर्सिटी है, ओरो जो तमाम बोर्ड है यूनिवर्सिटी है, सभी विद्यार्थी को खास करके जो पहले ईयर के थे और दूसरे ईयर के थे और जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उनको जो इंटरनल असाइनमेंट हो यानी पिछले प्रदर्शन के हिसाब से उनको जो है पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें को जो दोस्तों प्रमोट कर दिया गया, उसी प्रकार से जो फरवरी में इग्नू परीक्षा लेने वाली है उन परीक्षा को भी रद्द करके उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दे ताकि उन्हें और आगे जो है जानकर पढ़ने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इजी हो, काफ़ी ज़्यादा आसान हो। वैसे में आप खुद ब खुद सोचिए दोस्तों कि फरवरी में अगर परीक्षा अगर कहीं हो जाता है, फरवरी में दोस्तों परीक्षा अगर ले लिया जाता है तो एक एक विद्यार्थी कितने ज़्यादा सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, कितने ज़्यादा सब्जेक्ट देंगे आप खुद ब खुद सोच सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों अगर फरवरी में अगर परीक्षा होती है तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। इससे अच्छा सभी विद्यार्थियों को बिना कोई कंडीशन के दोस्तों प्रमोट कर दें, यही सभी के लिए भलाई है, हम यही चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा जरूरत है आपकी इच्छा, क्योंकि एक होता है ना दोस्तों कि मेरा मन नहीं है, ठीक है, तो मन नहीं है ना तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि परीक्षा मत दो, हम चाह रहे कि आप किस में कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि 100% हमारा परीक्षा की तैयारी, तो आप नीचे कमेंट लिखे कि परीक्षा होना चाहिए, मेरी तैयारी 100%। लेकिन अगर आप दोस्तों 100% में से अगर 1% अगर आपका कमी है, अगर आपका 1% भी तैयारी नहीं है तो डायरेक्ट प्रमोट हो जाने में ही बेहतरीन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाले, बहुत ज़्यादा छोटा सा दोस्तों आप पता है आप सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के हैं और पीजी के, इसकी जो सर्टिफिकेट होती है, इसकी जो मार्क्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप 10 का क्लास का परीक्षा नहीं देने जा रहे, आप बैचलर डिग्री है मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो आप खुद ब खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कितने ज़्यादा आपके सर्टिफिकेट की मान्यता होंगे। और अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहा तो आने वाले दिनों में वो सर्टिफिकेट भी एक कूड़े की दान की जैसा हो जाएंगे, यानी उस सर्टिफिकेट का भी कोई वैल्यू नहीं होगा, बल्कि दोस्तों उस सर्टिफिकेट को दिखाने से आपको नौकरी में रखेगा नहीं बल्कि आपको उस नौकरी से रफा दफा कर देगा। इसीलिए दोस्तों हमें लगता है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे परसेंटेज देकर प्रमोट कर देना चाहिए। अब आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों इग्नू को क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करके बताइए कि सभी विद्यार्थियों को पिछले प्रदर्शन के हिसाब से परीक्षा लेना चाहिए या प्रमोट कर देना चाहिए, नीचे कमेंट लिखिएगा। या दोस्तों फिर से एक नई नोटिफिकेशन आएंगे जिसमें फरवरी 2021 में परीक्षा नहीं लिया जाएगा बल्कि अब आप सभी का परीक्षा जून 2021 में सारे सब्जेक्टों को एक साथ लिया जाएगा, ऐसा करके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो
तो दोस्तों ये थे आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट। तो आशा करते हैं ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वरना 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 दोस्तों जिंदगी पछताते रहिएगा कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम देते हैं वो खबर जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी विद्यार्थियों के लिए ही खोला गया है चैनल, जो आप सभी के विद्यार्थियों के लिए लड़े, जहाँ लड़ना पड़े वहाँ लड़ेंगे, जहाँ पर सामंजस्य करना पड़े वहाँ पर सामंजस्य भी करेंगे, जब जैसे हालात होगा उस हालात पर देंगे, हमेशा साथ मिलेगा तो हमेशा साथ देंगे, विद्यार्थियों को ही साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। यह शानदार वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करिएगा जरूर।